अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाय सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन। सर, बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है भारत में और उनको ना सिर्फ ये कि ई वीज़ा के लिए भी कहा गया है कि भारत देगा मेडिकल के लिए बांग्लादेश में, लेकिन साथ साथ बहुत से एमओयूज भी साइन किए गए हैं और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है या बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ भी काम करने के लिए सोच रहा है, जा रहा है। आपके ख्याल से ये डेवलपमेंट कैसी है और ख़ास तौर पर बांग्लादेश बैलेंस कैसे करेगा चाइना और भारत? अब बिल्कुल अर्जुन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सच्चाई ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की थर्ड टर्म के लिए उनको 9 जून को जब ओ सेरेमनी हुई तब जो नेबर्स कंट्री थे उनके प्राइम मिनिस्टर और हेड को बुलाया गया था, तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश से आई थी और अभी 14 दिन के बाद वो स्टेट विजिट पर आई हैं। और ये भी सच्चाई है, इसके कुछ एक दिन के बाद उसने चीन भी जाना है। और आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बांग्लादेश के लिए कि वो किस प्रकार से भारत और चीन के रिलेशनशिप को बैलेंस करे। अगर हम भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में बहुत अपस्विंग आया है, स्पेशली 10-12 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट और शेख हसीना जो अवामी लीग की गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर। अगर आप देखें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा है, कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है और अभी भी कनेक्टिविटी जो है कि जो 1965 की लड़ाई से पहले भारत और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो कनेक्टिविटी थी, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, उसको खोल दिया गया है। उससे क्या होगा, अभी जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, वहां जाने के लिए आपको सर्कटस रूट लेना पड़ना था। अगर आपकी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के थ्रू हो जाती है तो आपका आधे से ज्यादा रास्ता कम हो जाता है। यही नहीं, बांग्लादेश ने जो मोंगला पोर्ट है और जो चिटागोंग पोर्ट है वो भी खोल दिए, उनके साथ भी कनेक्टिविटी। इसका मतलब हमारा जो सामान है इन स्टेट से मोंगला पोर्ट से भी जा पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो हुई है। उसके बाद जो 10 MOU साइन हुए हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में हुआ है कि दोनों देश जो हैं स्पेशली बे ऑफ बंगाल में जॉइंट एक्सप्लोरेशन करेंगे। इसके बाद जो एक प्रकार ये भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के अंदर ई वीजा जो मेडिकल वीजा है उसके लिए बड़ा अच्छा कर दिया है, क्योंकि सच्चाई है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भारत में काफ़ी अच्छी हैं बनिस्पत ये छोटे छोटे जो चारों तरफ देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो। तो अगर ई वीज़ा मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो वो एक बहुत ही अच्छा विन विन सिचुएशन हो जाती है उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल फैसिलिटी इस्तेमाल कर पाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पहल की है। और बाकी जो इशू थे, एक तो आपका तिस्ता रिवर का जो इश्यू है वो अभी तक इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो है एक जो भारत से तिस्ता रिवर जा रही है, क्योंकि 54 ऐसी नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश जाती हैं, मगर जो तिस्ता वाटर शेयरिंग है वो अभी तक इतना रिजॉल्व नहीं हुआ है। मुझे लगता है उसके ऊपर अब काम होना स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर एक इशू आया था कि जो बांग्लादेश की तरफ एरिया है जो तिस्ता रिवर का, उसके अंदर जो चीन है वो इंटरेस्टेड है उसको डेवलप करने के लिए। उसके ऊपर जो बातचीत हुई है कि भारत उसको डेवलप करना चाहेगा बनिस्पत चीन के, तो इसके ऊपर भी लगता है कि काफ़ी बातचीत हुई है। मगर ये लगता है कि अब भारत एक टेक्निकल टीम भेजेगा बांग्लादेश में जो कि तिस्ता रिवर के बेसिन को स्टडी करेगा, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो एक ही पॉइंट जो भारत और बांग्लादेश के बीच में इरिटेंट है वो है तिस्ता वाटर की जो ट्रीटी, और उसको भी कर लेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है ये विजिट बहुत ही अच्छी रही है। इसके अंदर 3-4 और मेन इश्यू ये हैं कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है नेपाल के अंदर जहां बिजली पैदा होती है उसको वो भेज सकते हैं डायरेक्टली बांग्लादेश को थ्रू इंडिया। ये एक तीनों देशों के बीच में
जो बातचीत होना भी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा जो मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्टिविटी है, डिफेंस टू डिफेंस, वो भी उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है। उसका 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर जब बांग्लादेश बना था तो शेख हसीना उसका एक प्रकार से बहुत क्लियरली उसको भी मेंशन किया था। और अब जिस प्रकार से दोनों के इंस्टीट्यूशन में कैडेट्स आ पाएंगे और आपस में हथियारों का भी जो एक प्रकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा, ये भी बात चल रही है भारत और बांग्लादेश में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो विजिट है वो बहुत ही अच्छी गई। जब आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे तब बात करते हैं कि भारत और चीन और बांग्लादेश फिर कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर वही मैं यही बात आपसे फिर पूछने वाली थी कि जब चाइना के साथ भी जो है वो बांग्लादेश बात करना काम करना चाह रहा है, लेकिन साथ साथ भारत के साथ भी है, साथ चाइना के साथ भी है, तो बैलेंस कैसे रहेगा? इसलिए कि हमने तो ये देखा है पाकिस्तान में, अगर हम चाइना से बात करते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है, या रशिया से बात करते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है, और हम बैलेंस नहीं कर पाते। इवन ईरान से भी हम उस तरह से बात नहीं कर पाते जैसे हमें करनी चाहिए। तो बांग्लादेश जो है वो भी एक कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटी कंट्री है, लेकिन कितना वो स्ट्रांग आपको लगता है कि काम करते हैं या कितने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है कि वो ऐसा कर पाएंगे कि दोनों भारत और चाइना को साथ लेके चलें? हाँ बिल्कुल, यही मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा टेस्टिंग पीरियड है बांग्लादेश के लिए और शेख हसीना के लिए कि वो दोनों देशों से बैलेंसिंग एक्ट कैसे करे। दोनों बड़े नेबर्स हैं भारत और चीन। पहले तो भारत, ये सच्चाई है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट और जो सागर है उसके तहत बांग्लादेश को भारत से बहुत फायदा हो रहा है। भारत ने इनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है बांग्लादेश में, वहाँ पर काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट है, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत उनके अंदर हिस्सेदार है। हाँ ये भी सच्चाई है कि जो बांग्लादेश है वो चीन के भी काफ़ी नज़दीक, चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका भी हिस्सा है। और ये भी पता है स्पेशली शेख हसीना के बाद आने के बाद इसके अंदर कुछ कमी आई है, क्योंकि उनको भी समझ आया है कि जो भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा देश हैं, चाहे वो मलेशिया था या आप श्रीलंका देखें, पाकिस्तान को सब पता है कि वो डेब्ट ट्रैप में आ जाते हैं, तो ये ध्यान देना है कि क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बांग्लादेश ने उस हिसाब से थोड़े से प्रोजेक्टों को कम किया है, मगर हाँ ये सच्चाई है बेल्ट रोड का इनिशिएटिव का हिस्सा है। उनको दो सबमरीन भी दी थी चीन ने, चीन ने काफ़ी हथियार भी बांग्लादेश को दिए हैं जो कि भारत के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है, भारत ने उसकी तरफ उंगली भी उठाई थी। और सच्चाई यह है कि जो चीन है उसकी डीप पॉकेट्स है और वो एक बड़ा नेबर के हिसाब से वो चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर उसका बन बना रहे और वो डेवलपमेंट के अंदर पैसा भी खर्च करना चाहता है। मगर ये भी पता, श्रीलंका वाला जो एग्जांपल है, जैसे अमन टोटा का जो पोर्ट था वो 99 इयर्स के लिए लीज पे दिया, क्या बांग्लादेश जो चिटागोंग पोर्ट जिसको डेवलप कर रहा है चीन वो ऐसा करेगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को देखना है। हाँ बांग्लादेश ने हथियार भी लिए हैं चीन से और बांग्लादेश को ये भी मालूम है कि भारत को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि चीन जो है इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहता है, और अगर वो दबदबा बनाना चाहता है तो उसको दो तीन देश हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो है ही इंपॉर्टेंट जो ग्वादर पोर्ट उसने बढ़ाया है, एक तो मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, जो उसने दो मिलिट्री पोर्ट डेवलप कर रहा है, दूसरा श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने हमनटोटा डेवलप कर लिया है, और तीसरा जो है बांग्लादेश, क्योंकि अगर उसने बे ऑफ बंगाल के अंदर एंट्री करनी है तो वो चिटागोंग पोर्ट को डेवलप करना चाहता है, उसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है जिससे वो भारत के ऊपर एक प्रकार निगरानी रखे। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भारत के लिए भी है और भारत के लिए ये रेड लाइन है जो शेख हसीना को मालूम है। मगर मुझे लगता है कि शेख हसीना ने अभी तक जिस प्रकार से वो अपनी डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है, वो एक बैलेंसिंग एक्ट किया, भारत के साथ भी उसने अच्छे रिलेशन रखे हैं और कहीं ना कहीं चीन के साथ भी रखे, क्योंकि चीन की डीप पॉकेट्स हैं, चीन ने डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्च किया बांग्लादेश में, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, डिफेंस के इक्विपमेंट दिए हैं, तो हाँ चीन का भी दबदबा है। मगर भारत का भी उसको पता है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी
नेबरहुड सागर, भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया $8 बिलियन का, कनेक्टिविटी होगी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, अभी मेडिकल वीजा की बात हुई, हम ब्लू इकोनॉमी के बात कर रहे हैं और ग्रीन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों का मुझे लगता है कि वाकई एक बैलेंसिंग एक्ट करना इतना आसान नहीं, मगर शेख हसीना अभी तक कर रही है दोनों तरफ। उसने भारत के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखे हैं और चीन के साथ भी उसके रिलेशनशिप ठीक ही हैं, मगर भारत ने 3-4 चीजें बड़े उसको जोरों से बताई है कि हम चीन की प्रेजेंस नहीं चाहेंगे बांग्लादेश के अंदर, ना किसी पोर्ट में और ना कोई मिलिट्री पोर्ट दिया जाए। तो ये मुझे लगता है कि शेख हसीना को पता है कि ये भारत की रेड लाइन है, भारत इसको नहीं मानेगा। दूसरा, भारत ने यह भी बताया है कि आप दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से जाएं कि जहां पर भी चीन आया है उसने उसको डेप ट्रैप में डाल दिया, कि जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर जब उसकी हालात खराब थे, डिफॉल्ट करने वाला था श्रीलंका, तो उसने कहा कि कुछ लोन दे दे चीन, पर चीन ने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो तब लोन मिलेगा। उस समय भारत ने ही $4 बिलियन दिए और उस समय श्रीलंका को बचाया और आज श्रीलंका रिवाइवल के मोड पे। तो ये भी एक प्रकार से बताया कि अगर ज्यादा रिलेशनशिप चीन के साथ रहे या चीन के अंदर डिपेंडेंट हुए तो फिर आप डेप ट्रैप में फंस जाएंगे, और फिर जो है जिस प्रकार से किसी हद तक पाकिस्तान का हालात है या श्रीलंका का हालात है ऐसी हो सकती है। तो ये सच्चाई है कि ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, मगर भारत ने कुछ एक रेड लाइन दी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर हाँ, ये सच्चाई है, चीन पूरी कोशिश करेगा बांग्लादेश के अंदर वो अपने लीवरे बनाए, क्योंकि वो भारत को घेरना चाहता है और भारत को घेरने के लिए उसको ये बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से म्यांमार में कुआकप्पू पोर्ट है एक, उसी के साथ साथ कोको आइलैंड है वो डेवलप कर रहा है चीन, इसी प्रकार से चिटागोंग जो है बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में दो मिलिट्री पोर्ट बना रहा है, दो आइलैंड लिए हुए हैं उसने मालदीव में, फिर जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में और ग्वादर पाकिस्तान में। अगर आप ये देखें तो चारों तरफ से घेरने की कोशिश है चीन की, मगर भारत भी इसको अभी काउंटर कर रहा है काफी उससे। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं बिल्कुल इस चीज से वाकिफ हूँ कि ये बांग्लादेश के लिए एक चैलेंज है कि वो किस प्रकार से भारत और चीन का बैलेंसिंग एक्ट करे, मगर भारत ने ये क्लियरली बता दिया है कि चीन की जो दखल अंदाजी हम बांग्लादेश में नहीं देखना चाहेंगे, चीन को कोई पोर्ट देने की बात नहीं, क्योंकि चीन चाहेगा कि किसी तरीके से वो बे ऑफ बंगाल में अपनी बेस भी बनाए और अपने जो प्रेजेंस को बढ़ाए, क्योंकि उसको मालूम है जो मलक्का स्टेट है वो अगर ब्लॉक हो जाता है जो भारत की अभी काबिलियत है, तो फिर उसका जो ट्रेड है वो नहीं जा पाएगा, और 70% ट्रेड मलक्का स्टेट से जाता है और चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं, तो ये चीन को भी मालूम है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजू, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, मगर ये सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कैसे बांग्लादेश इसको करेगा ये समय बताएगा, पर भारत ने अपनी रेड लाइन बांग्लादेश को बड़ी क्लियरली बता दी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हम अगर आगे बढ़ें और हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि जाहिर है उसके बगैर भी हमारा शो कंप्लीट नहीं होता, और एक बार फिर एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि जी टेररिस्ट जो हैं हम उनको ख़त्म करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, और ज़र्बे इस्तेहकाम नाम दिया है, पहले आप जानते हैं ज़र्बे अज़ब और इस किस्म के नाम रहे हैं, कुछ कर पाएंगे ये इस नए ऑपरेशन को लेकर जो कि फाटा में किया जाने का इम्कान है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिनका यानी जो फाटा से ताल्लुक रखते हैं या केपीके से वो लोग हैं वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि इस किस्म का ऑपरेशन जो है वो उनके एरिया में किया जाए, आप क्या कहेंगे? देखो सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान ने जो बीज बोए थे आज वही फल लाने, देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में तो उसने उस समय भी अगवा किया था एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो एक बहुत बड़ा मॉनस्टर बन गया है पाकिस्तान के लिए, और वो चाहे खाबर पख्तूनवा में आप पाक एरिया में है, वो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमले कर रहा है पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी और चीनियों को भी, चीनी भी अभी अगर आप देखें
जब शहबाज शरीफ गए हैं चीन के अंदर और वो मिले हैं शी जिनपिंग को भी और बाकी ऑफिशियल से, उन्होंने एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली बताया कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे चीनी जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं पाकिस्तान। तो सच्चाई है कि आज आतंकवाद बहुत ज्यादा फैल चुका है पाकिस्तान में, स्पेशली आप पाक एरिया में और ये खैबर पख्तूनख्वा में, और पाकिस्तान कह रहा है कि इसकी जो मदद है वो अफगानिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान जो तालिबान है उसके रिलेशनशिप बहुत गहरे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उसको वो कहता है कि बेसिस आपने अफगानिस्तान में दी हुई है, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और हिट करते हैं। अब अफगानिस्तान इसको मना करता है, मगर यह सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की। मगर पाकिस्तान तो एक प्रकार आतंकवाद का गढ़ है, क्योंकि अभी भी अगर वो सच्चे मन से आतंकवाद को लड़ना चाहता है तो फिर ये 10,000 के करीब लश्करे तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी क्यों बिठा रखे हैं पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में। उनके पास M4 असॉल्ट राइफल है जो अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, तो ये सच्चाई है। अब वो भारत के अंदर जब उसने देखा कश्मीर घाटी शांत हो गई है, वहां कुछ ज्यादा नहीं कर पाता, तो उन्हें रजौरी पुंछ का जो इलाका है जो कि साउथ और पीर पंजाल है उसको एक्टिवेट कर दिया है, वहां पर आतंकवादी भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। वो नहीं चाहता कि ये जो सितंबर में इलेक्शन है वो सक्सेसफुल हो, तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि आतंकवाद अभी भी है, जबकि आतंकवाद का ऑलमोस्ट सफाया हो चुका है कश्मीर घाटी में तो पूरा ही। तो एक प्रकार रजौरी पुंछ के अंदर जो एक्टिविटी है वो ऊपर से तो हो नहीं रही, अभी भी आज भी दो आतंकवादी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारे गए हैं बाय एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का जो दोगलापन है आतंकवाद पे, गुड और बैड टेररिस्ट में, कि वो आतंकवादी जो दूसरे देश में हमला करते हैं वो गुड टेररिस्ट है लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद या जैसे अल अदल जो कि ईरान में जाते हैं, और जो उनके ऊपर हमला करते हैं वो बैड टेररिस्ट है। तो ये जब दोगली नीति रहेगी पाकिस्तान की तो आतंकवाद का सफाया नहीं कर पाएगा। और ये सच्चाई है कि जो सीज फायर हुआ था 2021 के अंदर उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि उसके कारण क्या है कि वो अपने फोर्सेज जो है ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर पे भेजे। मगर अभी ऐसा लगता है कि अगर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ेंगी भारत के रजौरी पहुंच या डोडा किश्तवाड़ या पौनी रांची की तरफ, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिव है और वो सीज फायर को एब्रोगेट कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं होगी, दोनों देश के लिए नुकसान है क्योंकि फिर क्रॉस बॉर्डर फायर होगा। सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर इन्होंने जो नया ऑपरेशन लॉन्च किया है तो वो तो इन लोगों को रोकने के लिए और खत्म करने के लिए ही है ना, टेररिस्ट को। नहीं, वो कौन से टेररिस्ट, इस तरफ वाले टेररिस्ट तो नहीं ना, वो तो तरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। देखो प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि वो दुगलापन है गुड और बैड टेररिस्ट के बीच। ये जो आतंकवादी लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो भारत में आते हैं उसको तो डिनाउंस करते हैं, वो कहते हैं ही नहीं हमारे पास, ये तो सारा वर्ल्ड जानता है कि भाई 10,000 आपने बिठा रखे हैं पीओजे के में, और जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको वो अफगानिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी उंगली उठाते। सच्चाई यह है कि जब आपके पास ये दो दुगलापन है, जो कि एक एक प्रकार से आप एक बोलते हो बैड टेररिस्ट एक गुड टेररिस्ट, तो फिर काम चलेगा नहीं। जब तक आप आतंकवाद के अगेंस्ट इकट्ठा नहीं जाओगे तब तक आप आतंकवाद से लड़ नहीं सकते। आतंकवाद आतंकवाद, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करें पाकिस्तान, तभी आप आतंकवाद से लड़ाई जीत पाएंगे। अर्जुन बिल्कुल ऐसे ही सर, क्योंकि टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, गुड और बैड टेररिस्ट का जो डेफिनेशन है वो कम से कम मुझे तो ठीक नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सर आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय।